व्हेन यू आर 4 years ओल्ड क्या पूछा जाता है हमारे देसी हाउस होल्ड में, बेटा क्या बनोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या फिर डिसग्रेस या बेइज्जती फैमिली के लिए? तो इस कॉन्सेप्ट को हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि इंसान वही कुछ कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है और उसी में ही वो ब्लूम करेगा। ये एक फैक्ट है जो कि पाकिस्तानी बच्चों को भी समझ आना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझ आना चाहिए कि बच्चा वही करेगा जहाँ पे उसकी अट्रैक्शन है, जहाँ पे जो चीज़ उसके लिए करनी है वो अंदर से आता है हर इंसान के। आप किसी के लिए कुछ चूज नहीं कर सकते। हाँ, एट्रीब्यूट्स आते हैं। एक बिजनेसमैन का बेटा एक अच्छा बिजनेसमैन जरूर बन सकता है, एक अच्छी टीचर का बेटा एक अच्छी टीचर जरूर बन सकती है, लेकिन वो अगर चाहे तो वो कुछ और भी कर सकती है, वो पेंटिंग भी कर सकती है, कर सकता है। वेरिएबल डेस्टिनी के बारे में हमें पता होना चाहिए। बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं इतने सारे बच्चों के, हमारे बलूचिस्तान के, हमारे पाकिस्तान के, क्या बोलते हैं? बोलते हैं हमें मेडिकल करना था और नहीं किया, नहीं हो पाया। बस नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, मूव ऑन करो। ये एक फैक्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड का, किसी भी चीज़ को पा लेने का एक फैक्ट है कि आप 80-20 प्रिंसिपल फॉलो होता है। आप 80% किसी चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, किसी चीज़ के पीछे या किसी इंसान या कोई भी एग्जैक्ट, कोई भी डिज़ायर या कोई भी ड्रीम के पीछे 80% अपना फुलफिल दो, अपना 100% दे के दिखाओ। अव्वल तो दे नहीं पाते, जो नहीं दे पाते चलो वो 80% दे के दिखाएं, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, हो सकता है, हाँ या ना वाली सिचुएशन है कि आपको 20% रिजल्ट मिल सकता है और 20% रिजल्ट नहीं भी मिल सकता। जब आप इस रियलिटी को देख लेते हो तब आप उल्टी एक्सपेक्टेशंस अपने पास लगाती नहीं हो कि डॉक्टर मेडिकल नहीं हुआ तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। जितना ईमान होता है और वो उतनी ही मजबूत तरीके से टूटता है तो तकलीफ भी इंसान को उतनी ही ज़्यादा होती है। मेजॉरिटी FSC के स्टूडेंट्स और लड़के लड़कियाँ फेलियर क्यों बनते हैं? क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्टेशंस ही गलत चीज़ में लगाई हुई थी, या तो बनना ही डॉक्टर वरना BS वाले तो ख़त्म है। क्यों BS वाले ख़त्म? BS के बाद आप कुछ और भी तो कर सकते हो जो आपके दिल ने, क्या पता आप CSS करो, PCS करो, करो असिस्टेंट कमिश्नर लगो, कुछ भी कर सकते हो। ये तो लिमिटेड मैं बात कर रही हूँ, फ्रीलांसिंग कर सकते हो और पता नहीं दुनिया में क्या कुछ है करने को, सब कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ जा सकते हैं। किसी चीज को इंसान शिद्दत से चाहे तो पूरी यूनिवर्स को उस चीज को मिलाने में लग जाती है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इंसान किसी चीज को शिद्दत से चाहे तो यूनिवर्स उस चीज को नहीं मिलाती, उस चीज को मिलवाने के लिए उसका दिल तोड़वा देती है, एक माइनर चीज के लिए, एक माइनर चीज की वजह से। सो ये लाइफ के फंडे अगर इन्हें समझ लिया जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है जीने के लिए। चॉइस इज योर्स।